विराट भारत। सम्राट भारत, समृद्ध भारत, विजयी भारत। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राजपथ पर हुई ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हैं, जो जन भागीदारी से समर रहे नए भारत की रंगारंग तस्वीरें पेश कर रही हैं। रिहर्सल से साफ है कि इस बार 26 जनवरी की परेड दुनिया को ये दिखाएगी कि नया भारत नारा नहीं, बल्कि साकार होता संकल्प है। रिपब्लिक डे परेड के रिहर्सल 17 जनवरी से जारी है और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि सभी दस्ते, सभी कंटिंजेंट, जिसमें कि सिविल एंड टैबलोज भी शामिल है, वो सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार की 26 जनवरी की परेड जबरदस्त होने वाली है। संकल्प से अपने स्वाभिमान को दुनिया में स्थापित करने में सफल भारत के लिए ये सफलता एक पड़ाव भर है और हमारा लक्ष्य तो दुनिया को एक आर्थिक महाशक्ति, एक सैन्य महाशक्ति बनाना है। इस जज्बे के साथ की रुकना हमें मंजूर नहीं। झुकना हमें मंजूर नहीं, थकना हमें मंजूर नहीं। हम तो आसमान पर लकीरें खींचने निकल चुके हैं, अपनी तकदीर की नई लकीर। जब तक सांसें शेष, जय जय भारत देश। नई सदी को भारत की सदी बनाने की प्रतिज्ञा के साथ राजपथ पर कदम ताल हो रही है। Major General Alok Kakkar is an analogous of National Defense Academy Kharagpur and the Indian Military Academy Dehradun. मेजर जनरल आलोक कक्कड़ की अगुवाई में इंडियन डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की सलामी ये बताने के लिए काफी है कि देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार नौजवानों की यहाँ कमी नहीं। कुछ इसी तर्ज पर 26 जनवरी की परेड में सेना के तीनों विंग के रणबांकुरे अपनी सलामी देंगे। राजपथ पर कई गैलेंट्री अवार्ड बटोर चुका गोरखा राइफल्स का सेकंड बटालियन होगा तो कैप्टन दीपांशु शिरोय की अगुवाई में दुनिया का सबसे बड़ा घोड़सवार दस्ता भी होगा। शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान। प्रबल प्रबुद्ध प्रभावी प्रचंड दस्ता, वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूँ मैं, सारा हिंदुस्तान हूँ। परेड में जब कैप्टन सनी चौहान की अगुवाई में टैंक T-19 भीष्म का ये दस्ता राजपथ से गुजरेगा तो दुश्मन का दिल दहल उठेगा। इस सूत्र वाक्य के साथ कि निश्चय कर अपनी जीत करो, हर हाल में सुरक्षित मरुस्थल में मार करने वाला यह दस्ता भी अपनी सलामी पेश करेगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जय घोष के साथ सिख लाइट इन्फेंट्री की सलामी भी होगी। सर्वदा शक्तिशाली के नारे के साथ भारत की मिसाइल सिस्टम की ताकत भी राजपथ पर नुमाया होगी।
समंदर में शत्रुओं का सफाया करने वाला नेवी का दस्ता तो होगा ही। मुश्किलों को सूखे पत्ते की तरह उड़ाने वाला वायुसेना का मार्टिन दस्ता भी होगा। सबसे पहले Mi-17 और रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर के द्वारा फ्लाईपास, जैसे मैंने बताया था 16 मार्चिंग कंटिंजेंट्स में 6 मार्चिंग कंटिंजेंट्स इंडियन आर्मी के हैं और इन कंटिंजेंट्स में दो खास बातें हैं। पहली बात है कि आर्मी एयर डिफेंस कोर पहली बार मार्चिंग कंटिंजेंट के रूप में सामने आ रहा है। चुनौतियों ने हमें नई पहचान दी है और हौसलों ने उड़ान। कुछ ऐसे ही बुलंद जज्बे के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर आसमान में दुश्मनों के हौसले पस्त करते नजर आएंगे। तो आकाश में दुश्मनों की घेराबंदी करने वाले लड़ाकू विमान मिग का फॉर्मेशन भी आपको इस परेड में नजर आएगा। मैं जब लड़ता हूँ बस जीतता हूँ, और लड़ाका भले वीर गति को प्राप्त हो जाए लेकिन उसकी कीर्ति अमर होती है। कुछ ऐसी ही भावना रखकर देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले रणबांकुरों को इस परेड में गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर देश की दुर्गा शक्ति भी अपना शौर्य दिखाएगी। गन से तिरंगा लहराती हुई CRPF की वीरांगनाएं नजर आएंगी। तो बाइक पर उनका ये स्टंट न्यू इंडिया के आसमान तक पहुंचने की सीढ़ियों की मानिंद नजर आएंगी। रौन सके हम सभी शत्रुओं को पैरों द्वारा, कहां प्रकाशित नहीं हो रहा तेज हमारा। जमीन के शौर्य के साथ यहां आसमान को मुट्ठी में करने का हौसला तो दिखेगा ही, परेड में कई राज्यों की झलकियां भी होंगी। अलग अलग थीम के साथ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश अपनी अपनी झलकियां पेश करेंगे। और आखिर में तीन रंग के ऐसे ही बेशुमार गुब्बारे दुनिया तक अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। और ये कहने के लिए कि अब भारत की उड़ान आसमान की ऊंचाई को भी मात देने वाली है। ये है हमारा कामयाब भारत, नायाब भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।